हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपको हमारे देश से बिहारी में स्वागत है। आज मैं कुछ नया रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने। आज का जो मेरा रेसिपी है वो है शाम के लिए चाय के साथ खाने वाला कोई अच्छा सा नाश्ता, जो नाश्ता कि आप लोग को अगर शाम को कुछ खाने का मन हो और आप सोच रहे हैं क्या बनाए, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। आप लोग ये वाला स्नैक्स बना सकते हैं घर पे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी से फटाफट आप बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया, उसमें मैंने 500 ग्राम मैदा ली हूँ। मैदा के बाद मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन डाल दी हूँ, और अजवाइन के बाद जो इसमें थोड़ी सी कलौची डालूंगी ताकि इसका टेस्ट जो है सो बहुत ही अच्छा और नमकीन चटपटा है, जो आप चाय के साथ इसे खा सकते हैं और बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तब यहाँ पे मैंने कलौची भी डाल दी हूँ, और उसके बाद इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालकर और डो बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने सारे चीज़ डाल दी हूँ, इसके बाद मैं अब इसमें डालूँगी सरसों का तेल या तो रिफाइन या तो घी, जो चीज़ आप यूज करना चाहते हैं वो चीज़ इस पर आप ऐड कर सकते थे। अब मैंने सरसों का तेल डाली हूँ और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे आपको सरसों तेल, 500 ग्राम मैदा है तो आपको 50 ग्राम के लगभग जो है सो आपको तेल या रिफाइन या घी डालना है, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसी तरह तब तक मिक्स करना है जब तक कि आप इसे ऐसे बांधोगे तो इस तरह से जैसे लड्डू की तरह बंधा जाए, उस तरह से आपको इसे मिक्स करना है। उसके बाद ही ये खास्ता बहुत ही चटपटा नाश्ता स्नैक्स बनके तैयार होगा। तो देखिए, अब जिस मैंने इसे दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, और अब ये देखिए किस तरह से एकदम से सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी पानी करके इसे आटा लगाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैं फूड प्रोसेसर में इसे लगा ली हूँ। अब मैं इसे बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे जो है सो हाथ से मिला देती हूँ, और मिलाने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी इसे रेस्ट करने के लिए, ताकि मैदा जो है सो अच्छे से फूल जाए, अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर मेरा डो बन के तैयार है। अब मैं चलती हूँ इसे आगे की प्रोसेस करने में। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर 10 मिनट हो गया था, और मैं यहाँ पर एक बड़ी लोई की तरह ले ली हूँ, और अब मैं इसे 4 भागों में कट कर लेती हूँ। बराबर करके 4 भागों में आपको कट कर लेना है, और उसके बाद मैं इसे आपको रोटी बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 4 भागों में इसे कट कर ली हूँ। कट करने के बाद मैं इसे एक लोई लेके और सूखी आटा लगा के भी आप इसे, मतलब सूखी मैदा लगा के भी इसे बेल सकते हैं, या फिर वैसे भी इसे बेल सकते हैं। एकदम पतला सा रोटी की तरह आपको बनाना है इसे। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसे रोटी की तरह बना ली हूँ। तो इसी तरह से मैंने चारों को अच्छे से बना ली हूँ, और मैं अब इसे एक रोटी को यहाँ पर रखती हूँ और दिखाती हूँ आपको किस तरह से इसे चारों रोटी को फोल्ड करना है और इसे बनाना है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी तेल लगा देती हूँ और एक रोटी पे, उसके बाद मैं इस यहाँ पे इसी रोटी के ऊपर दूसरा रोटी डाल देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे दूसरा रोटी एकदम बराबर से मैं दूसरा रोटी भी ऐड कर दी। अब मैं थोड़ी सी तेल और ऊपर में लगा दी हूँ, क्योंकि 4 रोटी इस पर ऐड करना है। तो यहाँ पर दूसरा भी हो गया, तो अब तीसरा रोटी भी मैं इसमें लगा देती हूँ। यहाँ पे तीसरा रोटी भी मैं लगा दी हूँ। ये स्नैक्स जो है सो शाम के लिए, चाय के लिए, बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका ये नाश्ता किस तरह का बना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अब 4th रोटी जो है सो इसे भी इसके ऊपर ऐसे लगा दी हूँ, और लगाने के बाद जो है मैं अब इसे अच्छे से जो है सो दबा के लगा दी, और फिर जाकर मैं इसे एकदम पतली रोटी की तरह बेल देती हूँ। तो 4 रोटी मैं एक के ऊपर एक करके डाल दी हूँ, और मैं इसे अच्छे से बेल लेती हूँ, एकदम जितना पतला हो सके उतना बेल लीजिए। देखिए, यहाँ पे पतला करके मैंने बेल ली हूँ। अब एक चाकू की मदद से आपको इसे बीच से कट कर दीजिए, फिर जाके दूसरे भाग से कट कर दीजिए जैसे, और उसी तरह से आपको इसे 10 भागों में लगभग कट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अच्छे से इसे कट कर लेती हूँ। तो इसी तरह से आपको कट कर लेना है, और कट करने के बाद आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से फोल्ड करना है और कैसे बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं पहले अच्छे से इसे कट कर देती हूँ। तो इसी तरह से आपको कट करना है, बहुत ही सिंपल है, इजी तरह से कोई भी आदमी इसे बना सकते हैं। अब एक आपको लेना है और इसे ऊपर के साइड से इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से आप फोल्ड कीजिए, और बीच में जैसे इसे आप अच्छे से चिपका दीजिए। आप इसे तेल लगा के भी चिपका सकते हैं और हल्का सा पानी लगा के भी इस तरह से चिपका सकते हैं। तो देखिए, मेरा कितना सुंदर देखने में लग रहा है,
क्योंकि जैसे हम नमकीन बनाते हैं उसी तरह से बनाते हैं, लेकिन इसे कुछ अलग डिजाइन से हम बना रहे हैं, तो क्योंकि बच्चे को भी पसंद आएगा और हम लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी है। इसी तरह से साड़े को हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद जैसे मैं इसे फ्राई करूँगी तो देखने में किस तरह से फोल्ड करी, तो मैं साड़े को आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो आप लोग इसी तरह से फोल्ड कीजिए, कुछ नहीं तामझाम है ज़्यादा। आप मैदा लीजिए और इसे लगाइए, डो बना लीजिए और इसे बेल दीजिए और एकदम अच्छे से परफेक्ट जो है जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं उस शेप में इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे छोटा बड़ा जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप पूरी को कट कर दीजिएगा और आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साड़े को अच्छे से पहले बना लेती हूँ और बनाने के बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। तो मैं फ्राई करने को भी आपको दिखाऊँगी किस तरह से मैं इसे फ्राई करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम आपको 10 से 20 मिनट में ये कम्प्लीट नाश्ता बन के तैयार हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने साड़ी बना ली हूँ और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम नया डिजाइन, बहुत ही सुंदर। अब चलती है मैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। देखिए यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने सरसों के तेल डाली हूँ, आप रिफाइन भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर तेल डाल दी हूँ और अब मेरा तेल जो है एकदम से गर्म हो गया है। मैं गैस को एकदम धीमी कर देती हूँ और ये जो मैंने बनाई थी स्नैक्स इसे जो इसमें अच्छे से इस तेल में फ्राई करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एक करके सारे डाल देती हूँ और डालने के बाद जैसे मैं इसे फ्राई करूँगी तो इसको फ्राई करने में आपको 10 मिनट लगेगा, क्योंकि आपको इसे धीमी आंच पे पकाना है तभी ये एकदम से क्रिस्पी और खास्ता बनेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सारे को इस तेल में डाल देती हूँ और डालने के बाद इसे धीमी आँच पर पकाऊँगी 10 मिनट तक। तो देखिए यहाँ पे मैं साड़ी को पहले अच्छे से तेल में डाल देती हूँ और डालने के बाद जो है सो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये एकदम ब्राउन होने तक, जैसे बिस्कुट रहता है उसी तरह से ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक इसे आपको पकाना है। यहाँ पे मैंने साड़ी डाल दी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और ऑल दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये मेरा पलट पलट करके इसे मैं पका रही हूँ, जिसे आपको इसी तरह से पलट पलट करके पकाना है। तो देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर देखने में लग रहा है एकदम से, बहुत ही सुंदर अच्छा। तो मेरा जैसे ये स्नैक्स बन के तैयार है, अब इसे चाय के साथ खा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।